एक शख्स जिसे मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत थी, वो मस्जिद पर हमला करके 200 लोगों को मारना चाहता था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो नफरत मोहब्बत में बदल गई। मुसलमानों को ख़त्म कर देने का इरादा रखने वाले इस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना ये इरादा तो बदला ही, साथ में खुद ही इस्लाम धर्म कबूल करके इसका प्रचारक बन गया। आइए आपको बताते हैं अमेरिका के रिचर्ड मैकनी की ये दिलचस्प कहानी। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दरक्षा मुमताज और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। अमेरिका के रहने वाले रिचर्ड मैकनी एक मस्जिद में ब्लास्ट करके सभी नमाजियों को खत्म करना चाहते थे। वो मुसलमानों से शदीद नफरत किया करते थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते थे। दरअसल मैकनी ने 25 साल मरीन फोर्स में बिताए थे और इस दौरान उनकी पोस्टिंग खाड़ी के देशों में भी हुई, जहां उनको ये लगने लगा कि मुसलमान जालिम और दुश्मन होते हैं। इसका असर ये हुआ कि जब वो अमेरिका के इंडियाना देश पहुँचे तो वहाँ उनकी नफरत ख़त्म नहीं हो पाई, बल्कि उनकी मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत बढ़ती चली गई। हद तो ये है कि अगर उन्हें रास्ते में कोई मुस्लिम शख्स मिल जाता तो वो अपना रास्ता बदल लेते थे, और उनकी इसी नफरत को देखते हुए उनकी पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया। आपको बताते चले कि मैकनी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है जिसका नाम स्ट्रेंजर एट द गेट है। मैकनी अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो जब भी अपने शहर आते थे तो उन्हें मजबूरन मुसलमानों को देखना पड़ता था। उनकी नफरत का नतीजा ये निकला कि एक दिन उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना लिया। मैकनी ने मस्जिद में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर ली और इसके लिए उन्होंने जुमे का दिन चुना। इसके पीछे की वजह साफ है कि जुमे के दिन मस्जिद में लोग ज़्यादा जमा होते हैं। मैकनी के मुताबिक इस ब्लास्ट में लगभग 200 लोग मारे जाएंगे और कई घायल भी होंगे। जैसा मैकनी ने सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो गया जिसका खुद मैकनी ने भी कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। दरअसल मैकनी मस्जिद के गेट से गुजर रहे थे, तभी वहां मौजूद अफगान रिफ्यूजी डॉक्टर साबिर बहरमी ने उन्हें आवाज़ दी। डॉक्टर के साथ उनकी पत्नी बीबी बहरमी और एक स्थानीय शख्स जोमो विलियम था। डॉक्टर साबिर अमेरिका में एक रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसके बावजूद उनके बर्ताव, उनके रवैये की खूबसूरती से मैकनी इतने ज़्यादा मुतासर हुए कि उन्होंने अपने मुसलमानों को ब्लास्ट करके मार देने वाला वो प्लान जो अपने अंजाम के बिल्कुल करीब था उसे वहीं रोक दिया। मैकनी के मुताबिक वो लोग काफ़ी सादे और खुशमिजाज शख्सियत के मालिक थे। वो अमेरिका में रहते हुए भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। वो लोग मैकनी से बातें करना पसंद कर रहे थे, और जिस तरह मैकनी ने अपने ब्लास्ट का प्लान रोका, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुद मैकनी को उनसे बात करना कितना पसंद आया होगा। इस एक्सपीरियंस की वजह से मैकनी की वो सोच बदल गई जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा था, और इसका नतीजा ये हुआ कि मैकनी के अंदर इस्लाम को करीब से जानने की ख्वाहिश जाग गई। अपनी इसी ख्वाहिश के मद्देनज़र मैकनी रोज़ाना मस्जिद जाने लगे और इस्लाम से इतना करीब हो गए कि 2 महीने बाद ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आपको बताते चलें कि मैकनी सुन्नी इस्लामिक सेंटर के 2 साल तक अध्यक्ष भी रहे। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो बताती है कि महज अफवाहों और शक की बुनियाद पर किसी के बारे में राय कायम करना कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर हम वाकई में किसी को जानना या समझना चाहते हैं तो हमें उससे रूबरू होने की खास ज़रूरत है। ये वाक्या ये भी बताता है कि इस्लाम काफिरों के कत्ल करने की बात करता है, इस्लाम दूसरे मजहब के लोगों से नफरत करना सिखाता है, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, और इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो सरासर झूठ है, हकीकत के खिलाफ है। इस्लाम के बढ़ते कदम को रोकने के लिए कुछ लोग जानबूझकर अफवाहें फैलाते हैं ताकि लोग इस्लाम से दूर हो जाएं। यही वजह है कि जिन पढ़े लिखे लोगों ने अफवाहों को दरकिनार कर खुद कुरान को पढ़ा और उसे समझा, मुसलमानों के साथ वक्त गुजारा, उनके तमाम वसवसे दूर हो गए, बल्कि इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि इस्लाम धर्म को अपना लिया। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सपोर्ट करना ना भूलें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।